जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली आपके एमपीपीएससी 2019 के जो है एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए गए। जैसा कि आप लोगों को पता है 12 जनवरी से आपकी एग्जाम्स है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ किस प्रकार से आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, mppsc.nic.in, इस पर जब आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एक लिंक दिया होगा, ठीक है। इस पर यहाँ पर देखिए लिंक दिया है सामने ही, जो कि अपडेट हुआ है आज ही के दिन पे। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 4 तारीख को अपडेट कर दिया गया, अभी जस्ट अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इस लिंक पर आपको जो है लिंक पर क्लिक कर देना है और ये पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा इस टाइप का। अब ये पेज आपके सामने ओपन होता है तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ज़रूरी जानकारी फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म फिल किया था, उस समय आप लोगों को अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिला था, उससे उसको यहाँ पर जो है फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना, ठीक है, और जो वेरिफिकेशन कोड दिया है वो यहाँ पर फिल करना है। और जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है वो किस प्रकार से करेंगे उनको भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आप ये नहीं करिएगा कि डेट ऑफ बर्थ गलत डालिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, उसके बाद आप लोगों को करना है कैप्चा फिल, ठीक है। तो कैप्चा फिल यहाँ पर कर दूंगा मैं, और उसके बाद जो है कर देना है आप लोगों को लॉगिन, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया। अब ये लॉगिन करते ही आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिनका एडमिट कार्ड जो है एप्लीकेशन नंबर नहीं है उनके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ किस प्रकार से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो कहाँ से मिलेगा। तो ये इस पेज पर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो है एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, ठीक है, जो कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल वाला ऑप्शन आता है। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर इस प्रकार का पेज होगा। अब नीचे जब आता तो यहाँ पर आप लोगों को एक जो है नाउ योर का जो है एप्लीकेशन नंबर का जो है एक ऑप्शन है, ठीक, इस पर क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एग्ज़ाम जो है उसका सेट कर देना है, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल वाला एग्ज़ाम था। यहाँ पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है, डोमेन सील यहाँ पर आप लोगों ने दिया था, ठीक है, यस और नो में कर देना है, और यहाँ पर कैंडिडेट का लास्ट नेम और जेंडर सेलेक्ट करके कैटेगरी सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो आपका जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा पल पल के अपडेट पाने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।